आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों का कमेंट आया आप लोग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की जो मैंने वीडियो अपलोड की उस पर आप लोग का एक कमेंट आया कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की देखने तो वो जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मैंने आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और अरे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मतलब आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और देखना है तो ऊपर आपके आगे बैनर आ रहेगा उसमें आप देख सकते हैं। अभी मैंने जो है मैं इस तरह से मैं अब इस पर मैं आ गया हूँ जो है अपने इस पर पावर पॉइंट को मैंने खोल लिया है। मैं इस तरह से उसके मैंने उस पर यहाँ पे राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वो तो ऑप्शन आ जाते हैं ये उनसे आप न्यू स्लाइड नई स्लाइड बना सकते हैं और वो लेकिन वो स्लाइड जो डिफरेंट होगी और आप मतलब अगर ऐसी बनानी हो तो आपने डुप्लीकेट स्लाइड क्लिक कर रहे हैं तो उसी एक और स्लाइड बना देगा। और आप में ये आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन आते हैं। मैं इस तरह से यहाँ पे हटा हट जाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आप इंसर्ट का जो टूल आता है आपके पास ये इंसर्ट का आपने इंसर्ट का जो टूल्स अगर आपने पता करना है उसके बारे में तो आपके पास ऊपर जो है वो सजेस्टेड में ही आ रहा है ऊपर आपके पास कार्ड बना हुआ आगे होगा ऊपर सजेस्टेड में उसमें वो आप उसमें देख लें तो आप क्लिक करके फिर आप इंसर्ट का टूल्स देख कर आ जाए उससे और फिर इस वीडियो को आगे से ज्वाइन करें। और इंसर्ट के टूल्स क्योंकि उसके जैसे ही हैं सेम अब जैसे मैं डिज़ाइन उसका जो है मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और अब इधर से मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए इस तरह से मैं भी कोई कोई भी इसमें जो है वो डिज़ाइन जो है वो लगा सकता हूँ। और अब जो है ट्रांजिशन इसमें मैं जैसे मैंने टाइप किया फिर तो मैंने मैं ऐसे रैंडमली टाइप कर दिया अब ये इस तरह से जो है ये सॉरी ये तो ट्रांजिशन सॉरी ये ट्रांजिशन में ये होएगा कि आपकी जो स्लाइड है वो इस तरह से मतलब आप जब प्रेजेंटेशन उसकी कर रहे होंगे तो वो इस तरह से जो है ना आपकी स्लाइड जो है वो इस तरह से अपीयर होगी। और अब ये मैं जैसे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और जैसे मैं यह एनिमेशन जो जो आपको ऊपर आ रहे अब ये इस तरह से के बाद बहुत सारे ये आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए इस तरह से ये मैंने ऐसी ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास ये जो है अब इस तरह से ये आएगा सॉरी 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 इस तरह से आएगा। अब ये मैंने वो इसके कॉस्ट्यूम पार्ट आया था ये मतलब आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं मतलब अगर जब आप अपना जो टाइटल है जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो इस तरह से जो है वो अपेयर होएगा आप उसको कर सकते हैं। ये और भी बहुत सारे ऑप्शन है मैं इसमें से ये लगा रहा हूँ ये इस तरह से यूँ करके आएगा और आ जाएगा फिर आप इसे इसको जाएगा। अब मैं ये स्लाइड शो है ये इसमें स्लाइड शो में ये आपके पास आपको ब्रॉडकास्ट करनी होती है तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी है तो मतलब आपको जब ब्रॉडकास्ट करना होगा तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपने जब आपने स्लाइड शो करें तो उसके किस तरह से वो ये सब कुछ ये आप ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। अब मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अब इधर आपको जो बॉटन में बहुत छोटा सा है कि रीडिंग वो आएगा तो आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टाइल हो जाएगा और उस तरह से इस पर कुछ भी क्लिक करेंगे जो आप जो डिज़ाइन और ट्रांजिशन एनिमेशन आपने सब सेलेक्ट किया वो होएगा वो आ जाएगा। अब ये मैं आपको एक तरह से क्विक ट्यूटोरियल देता हूँ उसका मैं भी जो बनाया हुआ है उसका क्विक आपको एक रिव्यू देता हूँ देखते रहे ये मैंने एक ऐसी रेजिमेशन बनाई थी कि ये जो आपको टेक्स्ट इस तरह से अपेयर हो रहा है ये जो इस तरह से आप ये देख रहे हैं इस सर्कल शेप में आ रही है इस तरह से ये इस तरह से मैंने जब एनिमेशन में टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैंने जब उसमें लगाया तो वो इस तरह से ही आता है। और अब जो है आपका ये स्लाइड मेरी ये ख़त्म हो गई है और अब मैंने ये भी आपको दिखा दिया है। तो
आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग ये भी बता देगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने कौन सा जो है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का वो चूज करना चाहिए।